संक्रमित मरीजों का मिलना लगातार जारी। 898 नए मरीज तो वहीं हुई 23 की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 83,000 के पार। नागपुर में 6,000 आयुष कोरोना किट का हुआ वितरण। आयुष मंत्रालय की नई गाइडलाइन से कराया अवगत। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के होंगे उपाय। सब्जियों के बाद अब दाल भी होगी थाली से दूर। आलू प्याज सहित सभी सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर। अंडा भी दिखा रहा है अपना तेवर। कॉलेजों की उम्मीदें जागी। MHCET देने पहुंचे 70% विद्यार्थी। पहला सत्र सुबह 9 से 12 तो दूसरा सत्र दोपहर 2 से 5। 20 अक्टूबर तक चलेगी परीक्षाएं। बिना मास्क 10,000 पर कार्रवाई। अब तक वसूला 35 लाख का जुर्माना। 200 रुपए से बढ़ाकर जुर्माना किया 500 रुपए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुए अत्याचार के आरोपियों को तुरंत फांसी की सजा देने के लिए अल्पसंख्यक विभाग का हुआ प्रदर्शन। तो वहीं मातंग समाज ने भी किया तीव्र निषेध। वितरण में सेवा दे रहे ठेका कामगारों की सामूहिक हड़ताल एक दिन के लिए फिर टली। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन ने 7 अक्टूबर को महावितरण के डायरेक्टर से करने की करी बात। बाला अभिनेकर हत्याकांड मामले में घर और रास्ते की रेकी करने वाला पकड़ाया। घटनास्थल पर जाकर पुलिस करेगी रिक्रिएट क्राइम सीन। आरोपियों की संख्या बढ़कर हुई 8। ट्रांसपोर्ट कारोबारी के बेटे के जन्मदिन पार्टी में युवकों से मारपीट किए जाने का मामला आया सामने। पाचपावली पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरार 5 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। तो वहीं ताजबाग परिसर के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए किए गए मंजूर। प्रदेश सरकार ने नागपुर शहर के हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह परिसर ताजबाग के विकास के लिए 3,01,50,000 रुपए वितरित करने की दी मंजूरी। नियोजन विभाग ने मंगलवार को जारी किया शासनादेश।